तो अगर आपकी भी समस्या यह है कि आप अपने फोन से किसी को कॉल लगाते हो और कॉल लगाने के बाद आप कॉल रिकॉर्डिंग करते हो, तो उसके पहले आपका फोन जो कि अनाउंस करता है योर कॉल इज रिकॉर्डिंग, ऐसा कुछ अनाउंस करता है इंग्लिश में, और उसके बाद अनाउंस करता हो तो ठीक है, चलो अनाउंस करता है, लेकिन समस्या तब होती जिससे हमारी बात हो रही होती उस पर्सन को भी समझ में आ जाता है, मतलब उसे भी सुनाई देता है कि नहीं योर कॉल इज रिकॉर्डिंग। तो कहने का मतलब ये है कि आप जब ये ऑप्शन को इनेबल करते हो, रिकॉर्डिंग चालू करते हो और सामने वाले को भी सुनाई देता है, आप अपने इस अनाउंसमेंट को कैसे बंद कर सकते हो, कॉल रिकॉर्डिंग आप करो लेकिन आपको कोई अनाउंस ना हो। तो देखो गाइस, इसके लिए मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप किसी दूसरे डायल पैड को ओपन कर लो, इंस्टॉल कर लो। हाँ, यहाँ पे एप्लीकेशन आपको एक चाहिए होगा, वो एप्लीकेशन इतनी खास है ना दोस्तों कि आपको उसमें क्या रहता है कि रिकॉर्डिंग नहीं करना पड़ता। तो आपको क्या होता है कि आप कॉल लग गई, चलो आप रिकॉर्डिंग का बटन मिलेगा उसमें क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। आपकी कॉल किससे भी बात हो, एनी टाइम कभी भी हो, आपके फोन पे वो रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिक चालू हो जाएगी, ना तो अनाउंस होगा ना तो कुछ होगा। तो करना है क्या, आप इस वीडियो क्लास तक देख लेना है, एंड गाइस वीडियो पे पहली बार आए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको इसी तरह की एंड्रॉइड टिप्स मिलती रहती है जो कि आपके काम आती रहती है। चलो मैं आपको लेके चलता मोबाइल की स्क्रीन पे और सीख लेते हैं कि अनाउंस को कैसे बंद कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुके हैं, तो यहाँ से आप चाहते हैं ना कि कॉल करते समय आप जब कॉल रिकॉर्डिंग करें तो आपको कोई भी गूगल का अनाउंसमेंट ना हो या तो कोई भी अनाउंसमेंट ना हो, जिससे कि हम सामने वाले की बात अच्छी तरीके से रिकॉर्ड कर सकें। तो गाइस इसके लिए आपको करना क्या है, देखो आज के समय में जितने भी न्यू फोन आ रहा है ना गूगल पैड के थ्रू आ रहा है, तो उनमें तो आपको अनाउंसमेंट होने ही वाला है। तो इसके लिए आपको अपने फोन पे अगर आपको अनाउंसमेंट नहीं चाहिए तो आपको एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उससे आपको इंस्टॉल करके ओपन कर लेना। मैंने ऑलरेडी किया तो मैं उसे ओपन कर लेता हूँ। एप्लीकेशन का नाम है ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग, और जैसे इस एप्लीकेशन को आप ओपन करोगे ना, यहाँ से आपको 5 से 6 परमिशन मांगेगा, तो आपको इन सभी परमिशन को इनेबल करना होगा, क्योंकि ये आपके कॉल को रिकॉर्ड करेगा साथ में अनाउंसमेंट भी नहीं होने देगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टोरेज वाला परमिशन हम अलाउ कर देंगे, सेकंड कॉन्टेक्स्ट इसमें अलाउ कर देंगे, फोन स्टेटस इसको सबको मतलब परमिशन अलाउ करना ही करना है। तो यहाँ से मैं इसे ओके पे क्लिक करके अदर एप्लीकेशन का जो ऑप्शन मिलता है हम इसको भी परमिशन दे देंगे। तो यहाँ से देखो गाइस कॉल रिकॉर्डर का जो हमें फर्स्ट में दिख रहा है हम इसको इनेबल यहाँ से कर देंगे, और उसके बाद यहाँ से हमने इनेबल कर दिया। इनेबल एक्सेसिबिलिटीज का भी ऑप्शन मिलता है तो आपको इसे भी इनेबल करना होगा। तो यहाँ से देखो गाइस मैं इसे अनेबल कर देता हूँ और यहाँ से फिर बैक हो जाते हैं। बैक होने के बाद यहाँ से बोला एक्सेसिबिलिटी परमिशन, वापिस से मैंने परमिशन दे दी पूरी तरह से, और उसके बाद ये एप्लीकेशन कुछ इस तरह दिखेगी। ठीक है, अब ये एप्लीकेशन पूरी तरह से स्कैन करेगा आपके कॉन्टेक्ट नंबर को, जिस तरह आपका डायलर पैड होता है ना। तो देखो यहाँ से स्टार्ट का बटन मिला, हम इसमें क्लिक कर देंगे, तो अब यहाँ से एक एड्स आ सकता है, तो फर्स्ट टाइम एड्स को आपके स्किप कर देना और डाटा ऑफ करके यूज करोगे ज्यादा फायदे, मतलब फिर एड्स आपको नहीं आएंगे। अब ये एप्लीकेशन देखोगा इस तरह निकल के आ जाएगी। अब आपको करना क्या है, यहाँ से आपके सारे कॉन्टेक्ट नंबर दिखेंगे, आप किसी भी एक कॉन्टेक्ट नंबर पर फिर कॉल कर सकते हो और आपको कोई भी अनाउंसमेंट वाला जो झंझट है ना नहीं होगा। ऐसे देखो मैं के कॉल का ऑप्शन मिलता है, इसमें क्लिक करूंगा और इसमें क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं एक कॉन्टेक्ट नंबर टाइप कर लूंगा। ठीक है, और इसमें मैं कॉल करूँगा, जैसे आपकी कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगी उसके बाद आपको रिकॉर्डिंग भी नहीं करना पड़ा, लेकिन आप यहाँ पे आओगे आपकी जितनी सेकंड भी बात हुई होगी ना आप डायरेक्टली उसे सुन सकते हो, प्ले लास्ट कॉल देख सकते हैं, आप इसमें क्लिक कर लेना। देखो 40 सेकंड बात हुई, आप यहाँ से इसको क्लिक कर लेना, डायरेक्टली आपकी जो कॉल होती है ना वो डायरेक्टली ऑटोमेटिक रिकॉर्ड हो जाती है, तो बिना किसी अनाउंसमेंट के झंझट से आप यहाँ से कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हो इस तरह। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी, पसंद आए तो कमेंट्स करके जरूर बताना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।